आइए जानते हैं उन 10 बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने तलाक के बाद कभी शादी नहीं की। नंबर 1 पे बात करते हैं करिश्मा कपूर की। करिश्मा कपूर और संजय कपूर ने 11 साल साथ रहने के बाद अपनी शादी खत्म कर दी। करिश्मा को उनके बच्चे समारा और क्यान की कस्टडी मिली हुई है। करिश्मा और संजय का साल 2016 में तलाक हो गया था। आज करिश्मा कपूर अपने बच्चों की परवरिश में काफी बिजी हैं और दूसरी शादी भी नहीं करना चाहती हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं जेनिफर विंगेट की। एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने साल 2012 में बॉयफ्रेंड करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही इन दोनों के बीच में मन मुटाव रहने लगा, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। जहां करण ने साल 2016 में एक्ट्रेस विपाशा बासु से शादी की थी, वहीं जेनिफर ने अब तक दूसरी शादी नहीं की है और अपने करियर पर लगातार ध्यान दे रही हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं अमृता सिंह की। अमृता सिंह और सैफ अली खान ने साल 2004 तक शादीशुदा जिंदगी को खत्म करके तलाक लेने का फैसला कर लिया और इन दोनों के 2 बच्चे सारा अली खान और अब्राहम अली खान हैं। जहां सैफ अमृता से तलाक लेने के बाद मूव ऑन कर गए, वहीं उन्होंने करीना कपूर से शादी कर ली, तो वहीं अमृता सिंह ने सिंगल रहना ही चुना और वो सैफ से हुए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रही हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं रीना दत्ता की। रीना दत्ता और आमिर खान 16 साल तक शादीशुदा बंधन में रहे, लेकिन साल 2002 में दोनों का तलाक हो गया। आमिर खान ने बाद में किरण राव से शादी कर ली थी, उनका एक बेटा भी है। हालांकि आमिर और रीना ने अपने तलाक के बाद एक शानदार दोस्ती शेयर की और अपने बच्चों आयरा और जुनैद को एक साथ पाला। नंबर 5 पे बात करते हैं आरती बजाज की। अनुराग कश्यप की पहली पत्नी आरती बजाज है और वो अपने कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी खत्म हो गई क्योंकि अनुराग की शादी कल्की क्रोचलिन से हुई। आरती ने अकेले रहने का फैसला किया और उन्होंने दूसरी बार शादी नहीं की। वेल, आपको बता दें कि अब अनुराग और कल्की क्रोचलिन भी अलग हो चुके हैं। नंबर 6 पे बात करते हैं निक्की बेदी की। कबीर बेदी साल 1992 में निक्की बेदी से उन्होंने दूसरी शादी कर ली और साल 2005 में वो अलग हो गए, जबकि कबीर बेदी ने तीसरी बार परवीन दुसान से शादी कर ली, लेकिन निक्की अभी तक सिंगल है। नंबर 7 पे बात करते हैं संगीता बिजलानी की। दोस्तों, संगीता ने साल 1996 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन से शादी की थी, लेकिन इन दोनों का साल 2010 में तलाक हो गया। लेकिन इन्होंने अब तक दूसरी शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, लेकिन एक समय ऐसा जरूर रहा कि संगीता और सलमान के प्यार के चर्चे इंडस्ट्री में काफी ज्यादा रहे हैं। और आपको बता दें कि आज भी संगीता को सलमान के घर पर आते जाते हुए देखा जाता है। नंबर 8 पर बात करते हैं पूजा भट्ट की। बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने 90s के दशक के जाने माने एक्ट्रेस में से एक रहे अभिनेता से शादी कर ली थी। और आपको बता दें कि पूजा ने साल 2003 में मनीष मखीजा से शादी की थी, लेकिन 9 साल के बाद इनकी शादी टूट गई। साथ ही पूजा भट्ट ने अभी तक दूसरी शादी नहीं की है और इंडस्ट्री में खास पहचान बना चुकी है। तो दोस्तों, इन सभी एक्ट्रेसेस के बारे में आपको कैसा लगा जानकर, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।